आप अपने बारे में कुछ ना बोलो, अच्छे कर्म करते रहो, वही आपका परिचय देंगे। जिसकी नीति अच्छी होगी उसकी हमेशा उन्नति होगी। मैं श्रेष्ठ हूं ये आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं ये अहंकार है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन ये भी सत्य है कि वो कभी नहीं चाहते कि उनसे बेहतर करें। दो हाथों से हम 50 लोगों को नहीं मार सकते, पर दो हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पास 3 कारणों से आता है, भाव से, अभाव से, प्रभाव से। यदि भाव से आया है तो उसे प्रेम दो, अभाव में आया है तो मदद करो, और यदि प्रभाव में आया है तो प्रसन्न हो जाओ कि परमात्मा ने तुम्हें इतनी क्षमता दी। नेत्र केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कहां क्या देखते हैं ये हमारे मन की भावना पर निर्भर है। मन का खोट कुएं के पानी की तरह जितना भी निकाल लो खत्म नहीं। जीवन में जो बात खाली पेट और खाली जेब सिखाती है, वो बात कोई यूनिवर्सिटी या शिक्षक भी नहीं सिखा सकता। कभी किसी को खुश करने का मौका मिले तो छोड़ना मत है दोस्त। बड़े नसीब वाले होते हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट देते हैं। कितना अजीब है ना, 84 लाख जीवों में एक मानव ही धन कमाता है, लेकिन कोई जीव कभी भूखा नहीं मरता और मानव का कभी पेट नहीं भरता। रेस में जीतने वाले घोड़े को तो ये पता भी नहीं होता कि जीत वास्तव में क्या है, वो तो अपने मालिक द्वारा दी गई तकलीफ की वजह से ही दौड़ता है। इसलिए यदि आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ आए तो समझ लेना कि आपका मालिक आपको जिताना चाहता है। जहां से हमारा स्वार्थ समाप्त होती है वहीं से हमारी इंसानियत आरंभ होती है। जिंदगी के लिए बेहतरीन सोच रखो, हर एक की सुनो और हर एक से कुछ ना कुछ सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता लेकिन हर एक कुछ ना कुछ जानता है। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, पर अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझने लगते हैं तो ये उनकी समस्या है, आपकी नहीं। आप आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र वो करें जिनकी शक्लें खराब हैं। श्रद्धा जान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है, पर तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है।